दैट यू वांट टू डिस्कस और दैट यू वांट टू नो, ये जो टर्म्स हमने लिखे हैं ना इस समय, अगर ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है, होने चाहिए। इन केस कोई टर्म आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा मुझे पूछ लेना चाहिए तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया है, नंबर, जेंडर, पर्सन और केस, ये फोर फीचर्स ऑफ नाउंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नंबर में हमने पढ़ा है सिंगुलर प्लुरल, ठीक है। जेंडर में हमने पढ़ा है मैस्कुलिन फेमिनिन कॉमन न्यूटर, ठीक है। पर्सन में हमने पढ़ा है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। केसेस में हमने पढ़ा है नॉमिनेटिव केस एक्यूजेटिव केस जेनिटिव केस अपोजिटिव केस और वोकेटिव केस। इसमें कुछ भी ऐसा है जो आप जानना चाहते हो पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच नहीं गया हालांकि, लेकिन फिर भी इसको ना एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं थोड़ा सा ठीक रहेगा। आ जाइए एग्जांपल्स की मदद से केसेस को समझते हैं सेंटेंस में। कमल नाउ फाइंड आउट द नाउंस इन दिस सेंटेंसेस। इन नाउंस सेंटेंसेस में नाउंस को आइडेंटिफाई कीजिए और उनका फंक्शन पता लगाने की कोशिश कीजिए कि वो नाउंस सेंटेंस में क्या कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो नाउंस आइडेंटिफाई मैं कर देता हूँ आपके लिए, फंक्शंस आप उनके बताइए कि उनका इस सेंटेंस में फंक्शन क्या है। चलिए नाउ आई हैव आइडेंटिफाइड नाउंस फॉर यू इन दिस सेंटेंसेस। ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं इन सेंटेंसेस में नाउंस को अंडरलाइन मैंने कर दिया है। रिमूवल ऑफ टू वी विल डिस्कस दैट इन क्लास, हाँ वी विल डिस्कस दैट इन द क्लास, उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट थिंग, इट्स गुड दैट यू हैव रिमाइंडेड मी अबाउट दैट, वी विल डिस्कस दैट। अब ये जो लिखे गए सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में जो नाउंस हैं जिनको हमने अंडरलाइन कर दिया गया कर दिया है, इन नाउंस का फंक्शन बताने की कोशिश कीजिए कि ये सेंटेंस में किस पर्पस के लिए यूज किए गए। सभी लोग बताइए, फिर हम इनका केस आइडेंटिफाई करेंगे। दिस नाउन कमल इज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब थैंक, दिस ये जो कमल है वो इस वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो एक्टर है इसको वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, ये रेफरेंस है कि कमल का रेफरेंस है जिससे पता चलेगा भाई कमल कौन है, तो अपोजिटिव केस उसका रेफरेंस। द ऑडियंस जो है ये नाउन जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसका है वर्ब का, कौन सी वर्ब थैंक्ड का। देयर सपोर्ट क्या है ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका है ये प्रेपोजिशन का, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशंस टू हैव ऑब्जेक्ट्स। ये आ जाइए ये जो मोहन क्या है ये एड्रेस है, ये पुकारा गया नाम है, कॉमा लगा ना इसके बाद में तो ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में कॉमा नहीं आता, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में कॉमा नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने मोहन लिखा ना एड्रेस है संबोधन है पुकारा गया नाम है। अच्छा कम अंकल क्या है, अंकल जो है वो हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है अंकल इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सरल्स क्या है, सरल्स जो है वो रिलेशन या पजेशन शो करने के लिए लिखा गया वर्ड है, हुज का रिप्लाई, तो मैं इसको केवल रिप्लाई ऑफ हुज लिखूंगा। जैसे हमने लिखा मोहन हेल्प अंकल हुज अंकल, तो हुज का रिप्लाई आ गया सरल्स। तो सरल्स ऐसा एक नाउन है जिसको हमने हुज का रिप्लाई करने के लिए यूज किया है, ठीक है, पजेशन या रिलेशन शो करने के लिए यूज किया। तो हमने इन नाउन्स के फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई कौन सा नाउन सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, वो किस वर्ड से रिलेटेड है। अब देखो शुरू करते हैं, ऐसे नाउंस जो सेंटेंस में यूज किए जाते हैं एज एड्रेस संबोधन के तरीके से, तो वो होते हैं वोकेटिव केस के नाउन। तो ये जो मोहन है ये वोकेटिव केस का नाउन है, अंकल जो है वो हेल्प वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है तो वो एक्यूजेटिव केस के नाउन है। एक्यूजेटिव को ही हम आम बोलचाल में ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। सरल्स जो है ये हमने अंकल किसके हैं ये बताने के लिए, मतलब रिलेशन शो करने के लिए हमने ये वर्ड लिखा है जिससे पता चले अंकल किसके रिलेशन में, तो हुज का रिप्लाई है, तो ये जेनिटिव केस का नाउन है। जेनिटिव केस को हम आम बोलचाल में पजेसिव केस बोलते हैं, ठीक।
यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा वो थैंक्ड वर्ब के लिए, मतलब ये जो कमल है वो थैंक्ड वर्ब के लिए सब्जेक्ट है, तो ये नॉमिनेटिव केस है। ऐसे नाउन्स जो वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करते हैं वो नॉमिनेटिव केस होते हैं, ये नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, द ऑथर जो है ये अपोजिटिव केस है। ठीक है, क्योंकि इसको हमने यूज किया एक नाउन को रेफर करने के लिए उसके साथ लिखकर। द ऑडियंस जो है वो थैंक्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये एक्यूजेटिव केस है। ऐसे नाउन से प्रोनाउंस जो ऑब्जेक्ट होते हैं चाहे वर्ब के प्रेपोजिशन के, वो एक्यूजेटिव केस होते हैं, तो ये एक्यूजेटिव केस है। देयर सपोर्ट जो है ये भी ऑब्जेक्ट है फॉर प्रेपोजिशन का, तो ये भी एक्यूजेटिव केस है। तो यहां पर हमें केसेस भी क्लियर हो गए। कमल जो है वो नॉमिनेटिव केस का नाउन है, एक्टर जो है वो अपोजिटिव केस का नाउन है, द ऑडियंस जो है वो एक्यूजेटिव केस का नाउन है, देयर सपोर्ट जो है ये भी एक्यूजेटिव केस का नाउन है, मोहन जो है वो वोकेटिव केस का नाउन है, सरल्स जो है वो जेनेटिव केस का नाउन है, अंकल एक्यूजेटिव केस का नाउन है। ठीक है, अब यहां तक कुछ भी ऐसा है जो आप पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, ठीक, तो पूछ लीजिए जितना हमने पढ़ा उससे रिलेटेड, फिर आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, चलिए नाउ वी विल डिस्कस द नंबर, द चेंज ऑफ नंबर ऑफ इन नाउन्स। नाउन्स में जो चेंज ऑफ नंबर है हम उसका डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू चेंज द नंबर। ठीक है, ऐसे हो गया, द गवर्नमेंट हैज इन्वाइटेड मैनी मूवीज मेकर। लेट मी ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, ये हो गया। अब देखिए, दिस सेंटेंस है जस्ट थ्री पार्ट्स, इस सेंटेंस में केवल तीन पार्ट्स हैं, एक है द गवर्नमेंट, एक है जो कि सब्जेक्ट है, एक हैज इनवाइटेड जो कि वर्ब है, और एक है मैनी मूवीज मेकर जो कि इसका ऑब्जेक्ट है। अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो एक नाउन फ्रेज है, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलके अगर एक काम करें यूनिट का तो उसको हम फ्रेज कहेंगे, तो ये नाउन फ्रेज है, द डिटरमिनर है वो मेन नाउन है। हैज इनवाइटेड क्या है, ये वर्ब फ्रेज है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, इनवाइटेड उसकी मेन वर्ब है। ठीक है, ये जो मैनी मूवीज मेकर लिखा ये क्या है, ये भी एक नाउन फ्रेज है। अब अगर हमने ये जो फ्रेजेस लिखी है अगर हम इनका थोड़ा सा एनालिसिस करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो नाउन है, तो जो है वो उसका डिटरमिनर है, यहां पे जो इनवाइटेड है वो मेन वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब, ये मेन वर्ब है, हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, मैनी मूवीज मेकर में अगर आप देखेंगे तो मैनी तो नंबर का डिटरमिनर है, मूवीज जो है ये नाउन है, मेकर भी नाउन है, एडजेक्टिव कोई नहीं है। अब मूवी भी नाउन है, मेकर भी नाउन है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब हम दो नाउन्स को एक साथ में लिखते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, देखो एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं क्लियर कर लेंगे। मूवी मेकर और मूवी मेकर, ये तीन हमारे पास नाउन्स हो गए। ठीक, मूवी जो है, मेकर जो है और मूवी मेकर जो है, ये तीन हमारे पास नाउन्स हैं, एक है मूवी, एक है मेकर। ठीक है, और एक है मूवी मेकर। अब ये जो हमने लिखा है मूवी और मेकर, ये तो है सिंपल नाउन्स, लेकिन ये जो मूवी मेकर है ये है कंपाउंड नाउन। क्यों? क्योंकि इसमें हमने दो नाउन्स को मिलाकर एक नाउन बना लिया, तो एक कंपाउंड नाउन हो गया।
अगर हमें इनका प्लूरल करना हो, ठीक है, अगर हमें इनका प्लूरल करना हो तो हम कैसे करेंगे, मूवी का प्लूरल हो जाएगा मूवीज, ठीक है, मेकर का प्लूरल हो जाएगा मेकर्स, ठीक, ते प्लूरल हो गया। अब मूवी मेकर का अगर हम प्लूरल करेंगे तो कैसे करेंगे हमें समझना है, क्योंकि वो तो दो वर्ड है, तो क्या हम दोनों को प्लूरल करें या दो में से किसी एक को ही करें, अगर किसी एक को करें तो किसे करें। तो यहां पे हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम दो नाउन्स को मिलाकर एक नाउन बना देते हैं तो उनमें से एक नाउन रहता है मेन। मूवी मेकर में जो हेड वर्ड है, मेन वर्ड है, वो है मेकर, तो हम इसे कहेंगे मेन नाउन। मूवी जो है वो मेकर को मॉडिफाई करने लग गया, उसको डिस्क्राइब करने लग गया, भाई मेकर है तो व्हाट डज ही मेक, जो मेकर है वो किस चीज का मेकर है, व्हाट डज ही मेक, क्या बनाता है वो, तो ये मूवी से हमें पता चल रहा है। तो मूवी जो नाउन है वो मेन नाउन नहीं है, वो मेकर का मॉडिफायर हो गया। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जब हम दो या दो से ज्यादा नाउन्स को एक साथ में लिखते हैं तो उनमें से एक ही नाउन मेन रहता है, जिसे हम कहते हैं मेन नाउन या हेड नाउन, बाकी उसके मॉडिफायर बन जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मॉडिफायर नाउन्स। तो मूवी मेकर में मेकर जो है वो मेन नाउन है, मूवी जो है वो मॉडिफायर है। अब क्या ध्यान रखना है कि जब हम कभी किसी कंपाउंड नाउन का प्लूरल करते हैं तो हम केवल जो मेन नाउन है उसका प्लूरल करते हैं, मॉडिफायर का नहीं करते। तो मूवी मेकर का जब हम प्लूरल करेंगे तो इसका प्लूरल बनेगा मूवी मेकर्स। तो इसका क्या बनेगा प्लूरल, मूवी मेकर्स। तो मूवी का प्लूरल हो गया मूवीज, मेकर का प्लूरल हो गया मेकर्स, लेकिन मूवी मेकर्स का प्लूरल हो गया मूवी मेकर्स। ठीक, तो ये एक समझ में आ गया कि कंपाउंड नाउन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉडिफायर नाउन क्या होता है, मेन नाउन क्या होता है, वो क्लियर हो गया होगा। एक छोटी सी चीज और समझ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे हमने लिखा एन ऑयल इंजन, ठीक है, दूसरा हमने लिखा एन इंजन ऑयल, ठीक है, तो हमने यहां पर एक नाउन लिखा एन इंजन ऑयल, एन ऑयल इंजन, और एक लिख दिया एन इंजन ऑयल। ठीक है, अब देखिए ये हमारे कंपाउंड नाउन्स हैं, क्योंकि इंजन भी नाउन है, ऑयल भी नाउन है, ठीक है, तो दो नाउन हमने एक साथ मिला के लिखे, तो इनमें से एक कोई मेन नाउन होगा, एक कोई कंपाउंड नाउन होगा। तो अगर हम देखें एन इंजन ऑयल में और एन ऑयल इंजन में, तो जब हम ऑयल इंजन लिख रहे हैं तो हम रेफर किसे कर रहे हैं, इंजन को, तो इंजन मेन वर्ड है और ऑयल उसका मॉडिफायर है। एन ऑयल इंजन का मतलब वो इंजन जो ऑयल से चलता है, मतलब गैस से नहीं चलता, ठीक है, स्टीम से नहीं चलता। फिर हमने लिखा एन इंजन ऑयल, एन इंजन ऑयल में जो ऑयल है वो मेन नाउन है, अच्छा, और इंजन जो है वो उसका मॉडिफायर है। इंजन ऑयल का मतलब हो गया वो ऑयल जो इंजन में यूज होता है। एन जो है वो डिटरमिनर है, यहां भी और यहां भी। एक दो छोटी छोटी चीजें जो यहां पर मैं चाहूंगा कि हम लोग क्लियर करते हुए चलें, नहीं तो बेमतलब में लास्ट में कंफ्यूज करेंगे। पहली चीज आप देख रहे होगे कि जब हमने एन इंजन ऑयल लिखा तो ऑयल को हमने बाद में लिखा तो वो मेन वर्ड है, जब हमने ऑयल इंजन लिखा तो इंजन को बाद में लिखा वो मेन वर्ड है, ठीक है। तो अपने दिमाग में ये बात मत बिठा लेना कि कंपाउंड नाउन्स में जो नाउन एंड में लिखा होता है वो मेन होता है, मोस्टली वही होता है, मोस्ट टाइम वही होता है जो लास्ट में लिखा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो ये हमें बिल्कुल ऐसा नहीं समझना है या ध्यान करना है कि कंपाउंड नाउन्स में जो नाउन हमने लास्ट में लिखा होगा वो मेन होगा, ठीक है। तो फिर कैसे पता चलेगा मेन क्या होगा, अगर लास्ट में लिखा हुआ मेन नहीं होगा तो फिर कैसे पता चलेगा, तो वो हमेशा मीनिंग से पता चलता है।
जो भी कंपाउंड नाउन है आप उसके मीनिंग को समझिए, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, और फिर उसके मीनिंग से आपको ये आइडिया लग जाता है कि इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं। तो कंपाउंड नाउन में जिस नाउन के बारे में आप बात कर रहे हो वो मेन नाउन होता है। अब जैसे हम जब इंजन ऑयल कहते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि इंजन ऑयल कहते समय हम किसको रेफर कर रहे हैं, ऑयल को या इंजन को। या जैसे हमने कहा ऑयल इंजन, तो ऑयल इंजन कहकर हम किसे रेफर कर रहे हैं, ऑयल को या इंजन को। तो अपने आप पता चल जाता है भाई ऑयल इंजन कहकर हम इंजन को रेफर कर रहे हैं, कौन से टाइप का इंजन ये बताने के लिए हमने ऑयल लिख दिया, लेकिन ऑयल मेन वर्ड नहीं, मेन वर्ड इंजन है। और जब हम इंजन ऑयल लिखते हैं तो हम ऑयल को रेफर कर रहे हैं, कौन सा इंजन कैसा, सॉरी कौन सा ऑयल कैसा ऑयल, ये बताने के लिए हमने इंजन लिख दिया। तो मेन बात ये ध्यान रखनी है कि ये रट्टा नहीं मारना है कि कंपाउंड नाउन में जो लास्ट में लिखा हुआ वर्ड होता है वही मेन होता है। बहुत से कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनमें पहले लिखा गया वर्ड मेन होता है। आगे भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने आएंगे क्वेश्चन, जान जाओगे। चलो तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी जो सबसे काम की चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब हम किसी कंपाउंड नाउन के साथ में मॉडिफायर लिखते हैं, जैसे ऑयल इंजन, हमारा ऑयल इंजन जो है हमारा ये क्या हो गया, ये कंपाउंड नाउन हो गया, इंजन ऑयल एक कंपाउंड नाउन हो गया। अब मान लो इस नाउन से पहले हमको डिटर्मिनर लिख दें, ठीक है, जैसे हमने एन डिटर्मिनर लिख दिया, तो वो डिटर्मिनर किसके लिए यूज होगा, तो ध्यान देना वो डिटर्मिनर हमेशा मेन नाउन के लिए यूज होगा। तो ये एन हमने किसके लिए यूज किया, इंजन के लिए, ये एन हमने किसके लिए यूज किया, ऑयल के लिए। अब ध्यान दो, इंजन जो है वो काउंटेबल है क्योंकि कॉमन नाउन है, तो अगर काउंटेबल नाउन है इंजन, आपने उसके साथ एन लिखा, तब तो ये ठीक है, ठीक है। लेकिन ऑयल तो अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ आपने एन लिखा तो गलत है। कहने का मतलब अगर हम एन इंजन ऑयल लिख रहे हैं तो एन गलत है, एन ऑयल इंजन लिख रहे हैं तो सही है। आपको समझना ऐसे क्यों हो रहा है, कंपाउंड नाउन्स जब हम लिखते हैं तो उन कंपाउंड नाउन्स के साथ में लिखा गया डिटर्मिनर जो होता है वो मेन नाउन के लिए यूज होता है। अब आपको लगता है कि आपका मेन नाउन ऐसा है जिसके साथ आप एन आर्टिकल लिख सकते हो तो लिखो, आपको लगता है कि नहीं लिख सकते तो मत लिखो। अब यहां पर क्या है कि हमारा मेन नाउन है इंजन, तो इंजन तो कॉमन नाउन है, काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनकी सिंगुलर फॉर्म के साथ हम ए एन आर्टिकल लिख सकते हैं, तो ये ठीक हो गया। यहां पर हमने मेन नाउन लिखा ऑयल, ऑयल अनकाउंटेबल होता है, मटेरियल होता है ना, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में ए एन आर्टिकल आ नहीं सकते, तो ये गलत हो गया। तो अगर हम ऐसे लिखें एन इंजन ऑयल तो एन गलत है, अगर हम लिखते हैं एन ऑयल इंजन तो वो सही है। चलो यहां तक जो मैंने आपको बताया समझाया, इसमें कोई चीज ऐसी जो आपको लगता है भी पूछ लेनी चाहिए तो पूछ लो, फिर आगे बढ़े, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, ये जो हमने मूवी मेकर लिखा है तो हमें पता है इसमें मूवी मेकर में जो मूवी है वो मॉडिफायर है, मेकर मेन नाउन है, और ये जो मूवी मेकर है ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है, और ये डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर हम किसके लिए यूज करेंगे, मेन नाउन के लिए, मेन नाउन कौन है, मेकर, ठीक है। तो अब यहां पे देखो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, पहली समस्या कि मूवी मेन वर्ड है, नहीं मेकर मेन वर्ड है, मूवी मेन वर्ड नहीं है। तो पहली बात, अगर मूवी मेन वर्ड नहीं है, ठीक है, तो आप उसको प्लुरल मत करो, उसको मूवीज मत लिखो, उसको मूवी लिखो, मॉडिफायर प्लुरल नहीं करना, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो मेकर वर्ड है वो मेन वर्ड है, ऐसा नहीं है कि मेन को हमेशा प्लुरल करके ही लिखना है, लेकिन अगर जरूरी हो तो उसको लिख सकते हैं प्लुरल फॉर्म में। अब हम देख रहे हैं मेकर के लिए हमने डिटर्मिनर यूज किया है मैनी, मैनी यूज किया जाता है उन नाउन्स के साथ जो काउंटेबल हो प्लुरल हो, मेकर काउंटेबल तो है लेकिन प्लुरल नहीं है, तो इसको मेकर से। तो आंसर क्या जाएगा, मैनी मूवी मेकर्स, द गवर्नमेंट हैज इनवाइटेड मैनी मूवी मेकर्स। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। आज हमने नाउन्स के टाइप्स को समझा, काउंटेबल अनकाउंटेबल को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है हमने ये सीखा, नाउन्स के फीचर्स क्या होते हैं हमने उनका डिस्कशन किया, कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन्स में मॉडिफायर क्या होता है, मेन वर्ड क्या होता है, कंपाउंड नाउन्स में लिखे गए डिटर्मिनर किसके लिए यूज होते हैं हमने वो डिस्कशन किया, कंपाउंड नाउन्स का अगर हमें नंबर चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं हमने ये डिस्कशन किया, मतलब बेसिक्स आज हमने डिस्कस किया। कल से हम इन बेसिक्स पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जरा देखेंगे,